अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का यूनिट 11 एट ग्रैंडफादर्स हाउस, इसकी हमने रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे इसके रिटन वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और ये तमाम एक्सरसाइजेस। वर्ड्स मीनिंग्स: बंडल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पैक, गठरी, हीप, पाइल, usually untidy, ढेर, explore, discover, survey, देखना भालना, दरियाफ्त करना या तलाश करना, fetched, brought, got, जाकर लाना, realized, understood, became conscious, एहसास करना या समझ लेना, tightly, neatly, orderly, सलीके के साथ, hay loft, upper story और space for storing hay, अटारी, गल्ला या घास जखीरा करने की जगह, wooden, made of wood, चोपी, लकड़ी का बना हुआ, poke, to push, to jab, चुभना या बाहर निकलना, fireplace, structure of brick, stone or metal for an open fire, आतिशदान, rushing and roaring sounds, loud noises, सनसनाती और गरजती आवाजें, arranged, organized, put things in order, तरतीब देना, thoughtful, thinking, considerate, गौर करना, सोच विचार, pause, स्टॉप, ब्रेक, वक्फा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। डू यू थिंक हाइडी लाइक्ड हर ग्रैंडफादर्स हाउस? विच सेंटेंसेस टेल अस सो? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले आप यूनिट 11 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लें। इस तरह आपको इनके आंसर्स देने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें पूछा है कि क्या आप समझते हैं कि हाइडी दादाबू के घर को पसंद करती थी, और वो कौन से सेंटेंसेस हैं स्टोरी में जो इसके बारे में बताते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, शी लाइक्ड हिज हाउस वेरी मच। She first took its round from outside and getting her eyes bright with excitement, decided to stay in the house. Inside the house, she liked hay loft above all. The sentences like she was delighted, she could smell sweet smelling hay quite happily, etc. show that she was very happy to see her ग्रैंडफादर्स हाउस। अब हम एक्सरसाइज ए के इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन ए, हाउ ओल्ड इज हाइडी? आंसर, हाइडी इज 5 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन बी, व्हाट डज हाइडी सी व्हेन शी इज एक्सप्लोरिंग आउटसाइड द हाउस? आंसर, हाइडी सीज एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सम टॉल ट्रीज। क्वेश्चन सी है, व्हाट वाज द इनसाइड ऑफ द हाउस लाइक? आंसर, इनसाइड द ग्राउंड फ्लोर वाज वन बिग रूम, द ग्रैंडफादर्स बेड वाज इन वन कॉर्नर, अ लार्ज फायरप्लेस वाज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, नेक्स्ट इट देयर वाज अ लार्ज कपबोर्ड विद सम शेल्व्स। क्वेश्चन डी, व्हाट Did Heidi see from her bedroom window? She could see right down the valley. Question E, what did Heidi use to make her bed? Heidi used hay and old cloths to make her bed. Question F, what did Heidi use as a table at dinner time? Heidi used a chair as a table. मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन जी है, व्हाट इंफॉर्मेशन टेल्स
us that grandfather is a kind person. He notices what Heidi needs. He makes her food. He gives her his chair to use as a table. He gathers more hay to make her bed comfortable. अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर टू. ये स्टोरी में से ली गई लाइन है. इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड. तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स देने हैं. हु वाज स्पीकिंग, यानी ये लाइन किसने कही? हाइडी ने. हाइडी क्वेश्चन बी है. व्हाट क्वेश्चन वाज द स्पीकर रिप्लाइंग टू? शी वाज रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन Was the milk nice? Question C है. What was the speaker talking about? Answer: milk. Why did the speaker think that it was the best? Answer: she was thirsty after her long and hot journey. अब हम करेंगे ये challenge question. Do you think grandfather is rich? Or poor, give reasons for your answer. Answer note करें. Grandfather seems poor because he has so few possessions and his house is also quite small. Possessions का मतलब होता है मालो दौलत या property वगैरह. अब हम करेंगे exercise B book पर. एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर वन है. व्हाट आर दीज वर्ड्स? दे आर ऑल फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पर इन वर्ड्स के पहले लेटर्स लिख दिए गए हैं और इनके सामने इनके मीनिंग्स लिखे गए हैं, क्ल्यूज दिए गए हैं. इन्हें गेस करके आपने इन लेटर्स को कंप्लीट करके वर्ड बनाना है. अ फूड मेड फ्रॉम द प्रेस्ड कर्ड्स ऑफ मिल्क चीज एन एल्डरली रिलेटिव द फादर ऑफ अ चाइल्ड्स फादर और मदर grandfather, a piece of furniture with a door and shelves used for storage, cupboard, the first meal of the day, breakfast. अब exercise B का question number 2 है. Find words in the story that have an opposite meaning to the words given below. इनके आपने opposites लिखने हैं लेकिन story में से ढूंढ कर. Soft, hard, forgotten, Remembered, young, old, lost, found, high, low, stupid, clever, down, up. अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर वन. ये कंजंक्शंस हैं जिन्हें उर्दू में हरूफ अत कहते हैं. ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, दैट, बट. तो ए है, The boy was late, but his sister was on time. B. We went because we were told to go. C. We have seen the film, but we have not read the book. D. They heard that he was made a minister. E. They jumped when he shouted. F. She was Latin. Although she was 10 minutes late. Exercise C का question number 2 और बाकी की तमाम exercises इसी unit के part 2 में solve की जाएंगी. Thank you. Allah Hafiz.